किसानों के मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किसानों के भारत बंद को शिमला में समर्थन मिला है। शिमला में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने जो है किसानों के समर्थन में जो है धरना प्रदर्शन किया। शिमला में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी जो है शामिल रहे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको शिमला से दे रहे हैं, जहां पर किसानों के भारत बंद का समर्थन शिमला में देखने को मिला। राजधानी शिमला में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी शामिल रहे। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारेबाजी भी की, केंद्र की सरकार जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हालांकि हिमाचल में जो है भारत बंद का असर मिला जुला देखने को मिला, लेकिन शिमला में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया और किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया और केंद्र के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में किसानों के भारत बंद का असर मिला जुला देखने को मिला है। आपको एक घंटे पहले हम आपको सोलन की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर जो है बाजार खुले दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिमला में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जो है उमेश शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, हालांकि जो है हिमाचल प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है भारत के समर्थन में उतर आए। उमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमाचल प्रदेश में हालांकि भारत बंद का ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर जो किसान सभाएं थी उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया, और इसी कड़ी में राजधानी शिमला में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष और चुने हुए विधायकों ने भी प्रदर्शन किया और सरकार पे जो ये बिल है उसको लेके सरकार से मांग की है और किसानों का समर्थन भी किया कि किसान इतनी कड़कड़ाती सर्दी में अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातें सरकार सुने और उनकी जो उनके साथ है जो बातचीत का रास्ता है उसको निकाले और सरकार तुरंत प्रभाव से ये डेडलॉक तोड़ने की कोशिश करे। तो फिलहाल कांग्रेस प्रदेश भर में ही अपने धरने प्रदर्शन के जरिए किसानों के साथ अपना समर्थन दिखाती हुई दिखाई दी, खड़ी हुई दिखाई दी। इस बीच में हिमाचल प्रदेश के और कुछ हिस्सों में भी प्रदर्शन की जानकारी मिली है, खबरें मिली है। किसान संगठनों से ने कहीं रास्ता रोकने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत चक्का जाम भी हुआ, पर पूरे तरह से देखें हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बंद का असर नहीं दिखाई दिया। दुकानें बाजार हमेशा के लिए खुले रहे, लेकिन तमाम लोगों जो कारोबारी थे, व्यापारी थे, सबने ही किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि वो हमेशा से ही किसानों के साथ खड़े रहेंगे और आने वाले वक्त में भी वो किसान जो आंदोलन है इसका समर्थन करते रहेंगे। जी उमेश, हालांकि हिमाचल में भारतीय किसान यूनियन का क्या टेक है? देखिए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन का जो खासकर जो लेफ्ट विंग से जुड़े लोग हैं उनका इनके साथ एफिलिएशन है और जितने भी हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान है उनका भी ये कहना है, जिस तरह से किसान अपनी बातों पर रख रहे हैं, उनको जो डर है वो डर न केवल पंजाब हरियाणा बाकी जो राज्य के किसान है, हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान भी उसी के दर्द पर चाहते हैं कि MSP लगाया जाए और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में जो किसान की चिंता है उसको जो केंद्र सरकार है वो उसको एड्रेस करे और जो डेड लॉक आंदोलन को लेकर बना हुआ उसको जल्द से खत्म करे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और हिमाचल प्रदेश जो कोरोना के मामले में आजकल हम नंबर वन हिमाचल बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये किसान आंदोलन या जो इस तक स्ट्राइक है वो
वो कोरोना के मामले में भी चिंताजनक साबित होती है। तो हालांकि मुख्यमंत्री से हमारी एक्सक्लूसिव बात हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बंद का कोई असर नहीं है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे हैं, बाजार खुले रहे हैं, और सरकार ने भी लोगों से अपील करी थी कि हिमाचल प्रदेश में बंद का समर्थन ना करें। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों में जो है बंद का असर कमी देखने को मिला है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी? देखिए हिमाचल प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह पुलिस विभाग ने अलग से एडवाइजरी जारी करी थी कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, लोगों को आने जाने की आवाजाही की दिक्कत ना हो, या कोई जोर जबरदस्ती करके दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद ना किया जाए, या किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो जहां लोग अपने इच्छा से इस बंद में शामिल नहीं होना चाहते। तो पुलिस विभाग ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की थी और बॉर्डर एरियाज पे भी निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे आम लोगों को या एम्बुलेंस को या यात्रियों को यहां से वहां जाने में मुश्किल का सामना करना पड़े। दीपिका जी, उमेश, हिमाचल में जो है कृषि प्रधान जो है एक राज्य माना जाता है और देश के कोने कोने से जो है किसान लगातार जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अभी किसानों की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या कहना उनका, या क्या वो छठे दौर की बातचीत का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनका भी कूच का कोई प्लान है? बिल्कुल दीपिका, सब लोगों को उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ, आज का जो किसानों का जो देश भर में सड़कों पे लोग इनके समर्थन में उतरे हैं, लोगों को जरूर यह लगता है कि बीच में केंद्र सरकार कोई बीच बचाव का रास्ता जरूर निकालेगी, कोई हल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना था, व्यापारी कर्मचारी जितने भी लोग हिमाचल के लोग हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा कृषि नहीं होती है, बागवानी हिमाचल प्रदेश राज्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसान हो या बागवान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब लोग किसानों के समर्थन में और सब लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि जो आने वाली जो छठे दौर की चर्चा होनी है उसमें कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने भी इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलेगा। आज तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उनका रास्ता बीच बचाव से निकला है, बातचीत से निकला है। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत होने वाली है उसमें किसान समस्या का हल होगा और ये सारी समस्या का समाधान भी हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो हिमाचल के किसान और बागवान जो है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के बातों पर, कहीं ना कहीं उनकी बातों पर जो है आश्वासित है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, ये सबको एक उम्मीद है कि आज के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को जो संदेश बागवानों किसानों की तरफ से जाना चाहिए था, जो एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी, वो स्ट्रेंथ देखने को भी मिली है और ये सब लोग अब ये उम्मीद जता रहे हैं कि आंदोलन की रूपरेखाओं को देखते हुए केंद्र सरकार जरूर कोई बीच का रास्ता निकालेगी, बातचीत ही इसका हल होगा और जल्द ही जो डेडलॉक है ये जल्द टूट पाएगा। जी दीपिका जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उमेश। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको शिमला की दिखा रहे हैं जहां पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से केंद्र के किसानों के साथ है और केंद्र के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें जो है हम आपको राजधानी शिमला के दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है और केंद्र से लगातार अपील की जा रही है कि इन कानूनों को जो है रद्द कर दिया जाए।